अपने जोर बच्चे पत्थर मारो अरे अवस्था खराब करेगा महाराज चले नहीं देंगे तो ना आप ही बैठ चुप उन्होंने एक महीने का टाइम इसके लिए पूरी प्रक्रिया के लिए मांगा है। एक महीने में कम्प्लीट दूसरा जो एक आदमी हमारा शहीद हुआ है उसके परिवार को नौकरी देने का सवाल है वो नौकरी मांग ली है। और तीसरा जो हमारे व्हीकल टूटे हैं वो भी उन्होंने ठीक करवाने की मांग मांग ली है। और एक बात जो सबसे बड़ी थी जो हम कह रहे थे कि मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हो जो उन्होंने गलतियां की हैं ताकि आगे के लिए कुछ सुधार आए उसके लिए उन्होंने बहुत देर तक सरकार से चर्चा करने के बाद उन्होंने ये कहा है कि अगर हम ये उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करते हैं तो हमें ये मुकदमे वापस लेकर कोर्ट में दिक्कत आएगी क्योंकि एक ही केस के अंदर एक करोड़ मुकदमा दर्ज हो और कोई कोर्ट में चला गया तो हमारी उसकी रेडी हो जाएगी फिर आप करो मुकदमा वापिस नहीं हो। तो उसके लिए हमने उससे ढीले भी है कि कोई बात नहीं तो ये फैसला उन्होंने हुआ है और माफी माफी की मांगी डीसी की बताओ नहीं सारा प्रकरण की डीसी ने माफी मांगी जो भी हाँ जो भी प्रकरण अभी तक हुआ है हमारे ऊपर जो लाठीचार्ज जांच किया है जो भी गलतियाँ की है उसके लिए डीसी है और कोई हमारे से धोखा ना हो जाए जैसे पहले कहते और माननीय उन्होंने साफ अपनी बात नहीं की कोई धोखा ना हो जाए इसलिए उन्होंने अपना प्रशासनिक अधिकारी हमारे बीच में भेजा है माइक खड़े इतने पकड़ पे ये भी करे काम यही खड़े हैं यही खड़े जो है ये गारंटी देने के लिए कि जो बात हुई है उससे खराब होता जाएगा उससे कोई फेर बदल नहीं हो। आईजी साहब के बोले आईजी साहब उनसे में आईजी साहब सबने सारे प्रशासन के लिए प्रधान जी और कोई पंचायत आपकी जो वहाँ बैठी थी मेरा कहना कि 25 आदमी होंगे और 25 आदमियों ने अपने रहने वाले के लिए ये कहा है कि चलो वाले को हम वाले को है और मेरे को वाले को के बहुत ज़्यादा नहीं बना रहे हाँ ये फैसला हुआ है एक बार हाथ में लेकर बताओ किसी को गुलाद रहे विकास है माइक ले ले आज
सरकार का सम्मान करना करो जी, विराट करवा दिया है आपने आपने आंदोलन के धन्यवाद करते हैं और हम जो साहब आपका एक बार धन्यवाद करेंगे।